हे गाइस गाजम बैक टू द बियर्डेड छोकरा मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसे नए प्रोडक्ट से एक्चुअली नया तो नहीं है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है बट एक ऐसे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो आई एम श्योर मजोरिटी ऑफ यू गर्स डोंट इवन नो अबाउट इट एंड नेवर इवन हर्ड अबाउट इट एंड ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है हु आर ईदर यू नो हॉस्टल में रहने वाले लोग जिनके पास एक तो ज़्यादा पैसे नहीं होते खर्चने के लिए या फिर उनके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स रखने के लिए जगह नहीं होती या फिर वो ओल्ड फैशन लोग जिनको सिर्फ़ एक ही चीज़ से यू you नो know, सब कुछ धोना है बाल भी धोने हैं मुंह भी धोना है बॉडी भी धोनी है सब कुछ धोना है उन लोगों के लिए आज का वीडियो है तो बहुत ही फटाफट आपको इस प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ एंड किनक यूज़ करना चाहिए किन को नहीं यूज़ करना चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ स्टेट तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उन लोगों के लिए सबसे सूटेबल है जिनकी सेंसिटिव स्किन है ड्राई टू नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है या फिर उन लोगों को एक ऐसा क्लेंजर चाहिए जो आपके स्किन के ऑयल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिप ऑफ ना करे बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई ना बनाए अगर आपकी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है कोई भी केमिकल से या कोई भी इन यू नो फेस वॉश हो गया बॉडी वॉश हो गया इन सारी चीजों से तो एक ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हो लेकिन क्लीन अच्छे से करे तो so ये ऑल्टरनेटिव है क्या दिस इज समथिंग कॉल्ड अंडेट बार ये बेसिकली एक ऐसा साबुन है विच इज़ कम्प्लीटली सोप फ्री मतलब इसमें कोई वेजिटेबल ऑयल्स नहीं है इसमें कोई एनिमल फैट्स नहीं है इसके अंदर कोई भी एल्कली नहीं है और कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है सो बेसिकली इट इज हंड्रेड परसेंट सोप फ्री दूसरी चीज इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट्स डाले गए हैं यस दे आर सिंथेटिक इन टर्म्स ऑफ दे आर मेड इन अ लैब बट दे आर वेरी माइल्ड वेरी गुड क्लेंजर्स एंड वेरी गुड फोमर्स एज वेल सो दिस इज वाई इट इज नेम सिट विच मीन्स सिंथेटिक डिटर्जेंट लेकिन ये दो नाम सुन के बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे आ जाते हैं हम सोचते हैं कि यार ये क्या लगा रहे हैं हम अपने स्किन के ऊपर everything that you are applying in terms of any face wash anything that is there in the market they are all synthetic detergents only theek hai to koi bahut zyada darrne ki baat nahi hai iske andar iska sirf naam hai ye moreover iska aur ek bahut bada plus point hota hai as compared to other products in the market which is that it is completely ph balanced ये जो soap मैं आपको आज दिखा रहा हूँ this is something that personally मैं बहुत महीनों से use कर रहा हूँ and this is my favorite. इन टर्म्स ऑफ जितने भी ब्रांड्स मैंने सिंडेट बार के अंदर ट्राई किए हुए हैं आई ऑलवेज एंड अप गोइंग बैक टू दिस वन बिकॉज इसका जो फॉर्मुलेशन है इट इज़ वेरी वेरी गुड सेकेंडली ये पी एच फाइव पॉइंट फाइव है सो इट्स ग्रेट फॉर यूजिंग इट एज अ फेस वॉश यूजिंग इट एज अ सोप फॉर योर बॉडी एंड ऑल्सो यूजिंग इट एज अ बियर्ड वॉश हेयर वॉश एवरीथिंग एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड की बात करूँ इसके अंदर यू गॉट शेया बटर यू गॉट ओमेगा सिक्स यू गॉट स्क्वालीन जिन लोगों को थोड़ा भी पता है कॉस्मेटिक्स uh, के बारे में या इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो आपको पता होगा कि स्क्वालीन इज वेरी 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 गुड टू मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट योर स्किन एंड टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड इन टर्म्स ऑफ सर्फ एक्टेंट्स इसके अंदर कोई भी सल्फेट नहीं है एंड एज आई मैंशन इसके अंदर कोई भी एल्कली या फिर सोप नहीं है एंड प्लस इसकी जो एम है इट इज़ ओनली हंड्रेड फॉर अ सेवेंटी फाइव ग्राम सोप बार अब आप बोलोगे कि यार ये बहुत महंगा नहीं है सोप के लिए और वो भी सिर्फ सेवेंटी फाइव ग्राम्स के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर कोई प्रोडक्ट आपके तीन चार प्रोडक्ट्स निकाल दे रहा है आपके पूरे बाथरूम में से या आपके टॉयलेटरीज में से प्लस अगर उसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है प्लस इफ़ इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड फॉर योर स्किन वेरी गुड फॉर पीपल जिनको एक्ने प्रोन स्किन है जिनको सेंसिटिव स्किन है जिनको एक्जिमा है जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती हैं प्लस ये जो है ये बहुत वर्सेटाइल है इन द सेंस दैट इसको आप ट्रैवलिंग के लिए भी लेके जा सकते हो विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट पिलिज एंड ऑल बिकॉज ऑफ दोज लिक्विड प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सस्ता है एक ही कंडीशन है यहाँ पे फॉर योर फेस वॉश फॉर योर बॉडी एज अ सोप एंड फॉर योर बियर्ड वॉश दिस इज़ परफेक्टली फाइन हेयर के लिए भी कोई इश्यू नहीं होगा बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड जैसे आप साबुन रगड़ के उसका झाक बना के लगाते हो वैसे ही शैम्पू की तरह आपको लगाना है इट विल क्लीन योर हेयर रियली रियली वेल स्केल्प के लिए अगर आपकी बहुत ऑयली स्केल्प है देन इट विल नॉट मैचअप टू योर एक्सपेक्टेशन बिकॉज ये इतना ज़्यादा स्क्की क्लीन करने वाला डिटर्जेंट नहीं है तो बिल्डअप के चांसेस बढ़ सकते हैं सो इफ़ यू आर समवन विथली सीवियरली ऑयली स्केल्प और समवन हुआ एज अ लॉर्ड ऑफ डेंड्रफ तो इसको आप बालों पर मत यूज़ करो यू यूज इट एवरी वेर एल्स बट अगर आपकी ड्राई स्केल्प है नॉर्मल स्केल्प है डेंड्रफ नहीं है एंड आपको जो है वो कम से कम पैसे खर्च के सब कुछ अपनी बॉडी को जो है वो टिप टॉप क्लीन रखना है गो अ हैड एंड यूज दिस प्रोडक्ट नाउ इट गोज़ विदाउट सीइंग दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई यू नो दिस प्रोडक्ट और दिस ब्रांड सो ये जो है ये प्योरली मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए बिकॉज मुझे बहुत कॉमेंट्स आते हैं कि यार मैं हॉस्टल में रहता हूँ मैं एक बहुत यंग स्टूडेंट हूँ मैं तीन सौ रुपये फेस वॉश पे चार सौ रुपये शैम्पू पे दो सौ रुपये बियर्ड वॉश पे सौ डेढ़ सौ रुपये का अलग से साबुन इतने सारे पैसे सिर्फ अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए नहीं खर्चा कर सकता एंड मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत सस्ता हो एक ही प्रोडक्ट में सारे काम हो जाए क्विक इंट्रोडक्शन से आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा and plus, अगर आप आज तक कोई भी हार्श कलर वाले, वाले बॉडी वॉश और फेस वॉश यूज करते आ रहे हो प्लीज फॉर वंस गिव एम श्योर दैट आपकी जितने भी ड्राई स्किन वाले प्रॉब्लम्स है ये जो भी That was it for today's video. I hope you guys liked it. I hope you guys learned something new today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे शेयर कर सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन जरूर दबाइए एंड अगर आपने सेंडेड बार जो है वो पर्सनली यूज़ किए हैं तो आपका जो फीडबैक है आपका जो यूसेज एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर करना आई वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम कीप ऑसिम ऑसम एंड ऑल मीट यू इन द नेक्स्ट वन बाय